नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से। आज से दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो गणित की किताब है उसका पहला अध्याय, जिसका दोस्तों शीर्षक है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसा चैप्टर हमने 7वीं क्लास में भी पढ़ा दोस्तों। हमने कई सारे नंबर पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से नंबर हमने पढ़े हैं? नेगेटिव नंबर, बस प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटती है। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्रकृति किससे शुरू होती है? सबका मालिक एक, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4। होल नंबर जो होता है वो 0 और फिर नेचुरल नंबर है ना दोस्तों। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। नेगेटिव नंबर दोस्तों आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? ये नंबर लाइन 0 1 2 3 जो 0 के इधर होता है वो होती है ऋणात्मक संख्या। इंटीजर दोस्तों क्या होता है? जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर, उसको हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है दोस्तों, सॉरी इंटीजर तो इंटीजर नहीं दोस्तों, ये दोस्तों ये तीनों जो नंबर हैं दोस्तों, ये तीनों जो नंबर मिला के हैं ये वाले, ये जो पूरी है यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब मिला, इसको कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक यानी दशमलव में, दशमलव 5 या फिर फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेते हैं, बाकी सारी वैल्यू जो है 1 2 3 4 कितनी भी, 1000, 1 लाख कितनी भी, -1 लाख सब इंटीजर। अब दोस्तों हम आते हैं परिमेय संख्या, ये है दोस्तों परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में। दोस्तों अगर मैं कहूँ -7, ये क्या पी बाई क्यू का फॉर्म है? मगर दोस्तों इसको कर सकते हैं, बटे में एक कर दें, बटे में एक तो हम किसी के भी कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से भाग देने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म हमें अब हो गया है, अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। और अगर 1/7 हो, ये तो दोस्तों फ्रैक्शन है ही, फ्रैक्शन जो है ये तो पी बाई क्यू का फॉर्म है ना दोस्तों। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो दोस्तों ये पूरा भर देती है, ये 0.2 ये सब भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 2.2 को ये 0 हटाएंगे, 2/10 लिख देंगे यानी 1/5, यानी ये भी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये पूरा भर देगा, ये पॉइंट पॉइंट 1/2 3 4 5 पूरी लंबर लाइन भर देगा ये परिमेय संख्या, सिवाय एक चीज और के रह जाता, एक और नंबर रह जाता है दोस्तों। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं, परिमेय संख्याओं को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल नंबर, यानी पी बाई क्यू। दोस्तों एक और नंबर होता है इरेशनल, रैशनल से
इरेशनल बना, जो कि रैशनल नहीं, यानी जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो है इरेशनल। फॉर एग्जांपल रूट टू, रूट टू को दोस्तों रूट थ्री हो गए, उसको हम नहीं लिख सकते हैं रैशनल के फॉर्म में, ये इरेशनल नंबर है दोस्तों। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारी नंबर लाइन है, ये जो है नंबरों की जो श्रृंखला है, ये संख्या है, ये जो रेखा है नंबर की रेखा, 0, 1, 2, 3, ये बढ़ती चली जाएगी, 1, 2, 3। तो दोस्तों जो रूट टू है ना, वो 1.4 1.4 1.4 ऐसे बढ़ता चल, लंबा चलता चला जाता है, तो 1.4 यानी यहाँ कहीं आएगा, और वहीं इसके बगल में 1.4 होगा, वो दोस्तों रैशनल है, 1.42 होगा, ये भी रैशनल है, मगर इसके बीच में 1.414 यानी रूट टू जो है ये इरेशनल है। और तो सब, अब 3 है तो 3/1 को सबको रैशनल लिख सकते हैं, सारे नंबर बाकी रैशनल है, इसमें बीच बीच में इरेशनल नंबर भी, बस ये दो चीज़ों से ही मिलके बना है पूरी नंबर लाइन, रैशनल और इरेशनल। ठीक है दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि नंबर ऑफ इरेशनल नंबर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रैशनल नंबर। इरेशनल नंबरों की संख्या ज्यादा है रैशनल नंबर से, जबकि रैशनल नंबर आप देख रहे हैं कितने ज्यादा संख्या में, इरेशनल उससे भी ज्यादा अधिक संख्या में। ये हम आगे जानेंगे कैसे, इसका प्रूफ भी हो सकता है मैं लाऊं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्याएं आप जानते हैं, होल नंबर, जीरो और इंक्लूड कर दिए उसमें, जो नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर दिए। पूर्णांक दोस्तों, पूर्णांक यानी इंटेजर्स, यानी नेगेटिव नंबर और जोड़ दीजिए इसमें, होल नंबर में नेगेटिव नंबर और जोड़ दीजिए। अब दोस्तों आ जाता है परिमेय संख्या, पूर्णांक तो इसमें सारी है p बाई क्यू की फ्री फॉर्म में सब है, यानी इसमें सब नंबर आए, रैशनल नंबर ही है ये, नेचुरल नंबर भी है इसके अंदर, जीरो भी है, या इन दोनों को ही कहा जाता है कंबाइंड में होल नंबर, और नेगेटिव नंबर भी है इसमें, और इन तीनों को कंबाइंड कहा जाता है, या ये तो दोनों एक ही चीज़ है, इनको कहा जाता है इंटीजर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारे तरीके के नंबर। इंटीजर और फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन में जिसको लिखते हैं, वो दोनों मिला के, इंटीजर और ये दोनों मिला के बनाती हैं परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको आप लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्याएं कहलाता है। क्रम विनियमिता दोस्तों पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, पहले भी पढ़ा है हमने, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।